देखिए बहुत ही सुंदर छोटा बच्चा का जूता बन के तैयार हुआ है। देखिए इस 39 फंदा इसमें लिए हैं। देखिए फंदा ले लिए हैं, बनाना शुरू करते हैं। सीधा साइड है, पहला कांटा है, पूरा सीधा सीधा बना करके, पूरा सीधा सीधा बनाएंगे। पहला कांटा है और सीधा साइड है, पूरा कांटा ही सीधा सीधा बना लेंगे पूरा घर। के पूरा घर सीधा बना लेंगे। देखिए बन गया पूरा, एक कांटा ही सीधा हो गया। उल्टा साइड से भी सीधा ही बनाएंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, पीछे फंदा करेंगे और फिर सीधा इसको पूरा घर सीधा बना लेंगे। इसी तरीका से बनाते हुए छह धारी बनाएंगे, पूरा पूरा सीधा दोनों तरफ से सीधा बना करके, और छह धारी इसको बना लेंगे। उल्टा से भी सीधा और सीधा से भी सीधा, दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाना है। इस तरीका से बना लेंगे। इधर से भी सीधा, इसी तरीका से छह कांटा बनाना है, तीन धारी बनेगा। तो बना के फिर बताते हैं, दिखाते हैं। देखिए छह धारी हो गया, ये बिछाना थे तीन धारी, छह कांटा हो गया, पूरा सीधा सीधा बनाया है। अभी यहाँ देखिए दूसरा कलर जोड़ेंगे, चोटी बनाने के लिए दूसरा कलर जोड़ेंगे। इस तरीका से जोड़ लिए और एक घर इस तरीका से, एक घर ई वाला कलर से, एक घर वो कलर से, एक घर वो कलर से, इसी तरीका से चोटी बनाते हुए जाएंगे। एक घर ऊ से बीनेंगे, एक घर ऊ कलर से बीनेंगे, दोनों घर एक दूसरा कलर से बीनाएगा। इस तरीका से इसको अंगूठा से दबाते जाना है, इस तरीका से इधर दबा लेना है, फिर इधर बीनना है, फिर इस दूसरा कलर से इसको दबा लेना है, फिर उससे बीनना है, फिर इसको इस तरीका से अंगूठा से दबाते हुए फिर दूसरा कलर से बीनते जाएंगे। बहुत ही सुंदर चोटी बन के तैयार होता है। तो ये पूरा कांटा बना लेते हैं इसी तरीका से। देखिए पूरा बन गया ये कांटा पूरा। देखिए एक घर उससे बनाए, घर उससे, और पीछे से इसको, पीछे से उल्टा साइड से देखिए कैसे बनेगा। ये सीधा साइड है और उल्टा साइड से देखिए कैसे बनेगा। पहला उतार लिए, इसको इस तरीका से चाप लेंगे और जो कलर से है उसी कलर से इस तरीका से फंदा डालते हुए इधर इसको इस तरीका से चाप लेना है, फिर दूसरा से जौन कलर से रहेगा वही कलर से बना देना है। इस तरीका से जौन कलर से पहला घर बना हुआ है उसी तरीका से पीछे से भी बनेगा। सीधा बुनाई होगा, इस तरीका से चप जाएगा पीछे। देखिए इस तरीका से गौर से देखिएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। इस तरीका से जौन कलर से जौन घर बना हुआ है उसी कलर से बनाना है। देखिए इस तरीका से बहुत ही सुंदर बनता है। पूरा कांटा इसी तरीका से बना लेंगे, पीछे से है, उल्टा साइड से है, बन रहा है। देखिए पूरा कांटा इसी तरीका से बना लेते हैं।
पूरा इसी तरीका से इसको कंप्लीट कर लिए पीछे से भी। देखिए पीछे से पूरा बुनाई कंप्लीट हो गया। आगे देखिए इसको कैसा चोटी बना, बहुत ही सुंदर बनता है, कोई परेशानी नहीं होगा, खाली थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा से बन जाएगा। वीडियो गौर से देखिएगा, बहुत ही अच्छा बन जाएगा। अभी पूरा लाइन सीधा बना लेंगे सिंगल कलर से, पीला वाला कलर से पूरा लाइन बना लेंगे एक कलर से, दूसरा कलर को छोड़ देंगे और एक कलर से पूरा एक कांटा जो है पूरा कांटा सीधा बना के कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा घर सीधा बना लेंगे, दोनों कलर वाला पूरा घर सीधा बना लेंगे। देखिए पूरा घर सीधा बना लिए, पूरा घर सीधा बन गया। अब पीछे से उल्टा साइड से एक उतार लेंगे, अब पीछे फंदा करेंगे, इसको जाली देंगे, जो जाली रहता है जिसमें कि बांधने के लिए बच्चा को जो जूता में घुसाता है वही वाला जो जाली देंगे। देखिए दो का एक कर दिए, पहले एक फंदा इस तरीका से उठा लेंगे और दो का एक कर देंगे, ये पूरा कांटा इसी तरीका से बनाएंगे। देखिए इस तरीका से फंदा एक उठा दिए, यहाँ दो का एक कर दिए, इस तरीका से एक फंदा बढ़ा लिए और दो का एक कर देंगे, उल्टा साइड से इस तरीका से होगा, दो का एक कर दिए, एक बढ़ गया और दो का एक कर देंगे। फिर देखिए एक फंदा इस तरीका से बढ़ गया और दो का एक कर देंगे, इसी तरीका से ही पूरा कांटा बना लेंगे। तो जाली पड़ जाता है उसमें आप बच्चा को जो जूता ढीला होता है तो उसमें फीता भी आप बांध सकते हैं। इस तरीका से कंप्लीट कर लिए, इस तरीका से कंप्लीट कर लिए पीछे से। अब आगे से इसको पूरा सीधा बना लेंगे, पूरा कांटा ही सीधा बना लेंगे। देखिए पूरा सीधा बना के ले लिए हैं, आई पूरा कांटा या उल्टा बना के ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा वीडियो पर, बनाइएगा बहुत ही सुंदर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा उल्टा बना के ले लिए। अब यहाँ देखिए इसको, अब यहाँ से आधा फंदा इधर कर लेंगे, आधा इधर, 39 फंदा लिए हैं तो 19 दुनी 38, 39 होगा, 19 फंदा इधर बना लेंगे, 19 फंदा उधर रखेंगे, बीच में जो फंदा आएगा 19 फंदा बीन लेंगे, 19 फंदा इधर, 19 दुनी 38 होगा, 39 फंदा लिए हैं तो इधर 19 को हो जाएगा, 19 को उधर आए, जो बीच का फंदा रहेगा उसमें जाली देके दिखाते हैं। देखिए देखिए इधर हो गया, इधर ही बराबर बराबर फंदा रख लेना है, आप जितना भी घर लीजिएगा उसका बराबर फंदा इधर उधर कर लेना है, आप बीच वाला जो है उसमें इस तरीका से जाली दे देना है। आप जितना बड़ा बच्चा को बनाइएगा उतना घर रखना पड़ता है। देखिए अब सीधा बना लेंगे, पूरा जाली दे दिए बीच में, अब ये सीधा बना लेंगे, जो बचा इधर बीच में दो जाली पड़ गया। अब उल्टा साइड से पूरा उल्टा बनाएंगे, जाली वाला जो दिए थे पूरा उल्टा, ये पूरा कांटा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेते हैं, उल्टा बना के कंप्लीट कर लिए। अब फिर से इधर
इधर वाला जो है जाली का इधर वाला जो पूरा सीधा बना लेंगे, जाली आएगा वहाँ पे जाली पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जाली आ गया, अब यहाँ पे इसमें जाली पड़ जाएगा। इसी तरीका से 8 जाली देंगे, पूरा जूता में तैयार हो जाएगा। 8 जाली तक इसी तरीका से बना लेंगे, सीधा में जाली पड़ेगा, उल्टा में पूरा उल्टा बिनते हुए 8 जाली तक इसको तैयार कर लेंगे। 8 जाली तक इसको तैयार करके देखिए, 8 जाली तक तैयार कर लिए इसको, देखिए यहाँ ही 8 जाली तक इसको तैयार कर लिए। अब इसको बंद करेंगे, फिर से यहाँ चोटी बनाएंगे, फिर से दूसरा कलर यहाँ ज्वाइंट कर लेंगे, यहाँ चोटी बनाएंगे, फिर उसी तरीका से जो पहले चोटी बनाए थे ऊपर बना हुआ है उसी तरीका से एक उससे और एक उससे बना लेंगे। देखिए एक इससे और एक इस घर से, दोनों से उसी तरीका से जो नीचे बनाए थे उसी तरीका से चोटी बना लेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप बना करके देखिएगा कैसा बना, कमेंट करके बताइएगा। देखिए इस तरीका से एक एक करके, एक उससे और एक उससे, जिस नीचे बनाए थे उसी तरीका से इसको भी बना लेंगे। देखिए यहाँ कंप्लीट कर लिए। अब उल्टा साइड से भी उसी तरीका से बना लेंगे जैसे पहला चोटी में बनाए थे, उल्टा साइड से उसी तरीका से इसको भी बना लेंगे। पहला उतार लेंगे, फिर इस तरीका से पीछे चांपेंगे, फिर जौन कलर से बना हुआ है देखिए फंदा इस तरीका से उड़ाना है। देखिए इस तरीका से ऊपर की साइड से इसे इस तरीका से उड़ाना है, इस तरीका से देखिए, इस तरीका से, इस चीज़ को गौर करिएगा ज़रूर। देखिए इस तरीका से कंप्लीट कर लेंगे, उल्टा साइड से भी पूरा देखिए कंप्लीट कर लिए। देखिए पूरा चोटी बन गया। पूरा अभी पूरा कांटा ही सीधा बना लेंगे, पूरा काटा फिर सीधा बना लेंगे। पूरा घर देखिए सीधा बना के इसको तैयार कर लिए, सीधा साइड से इसको पूरा सीधा बना लिए। सीधा साइड से पूरा सीधा बना लिए, अब उल्टा साइड से भी इसको सीधा ही बनाएंगे। पहला उतार लिए पीछे फंदा करके, और इसको सीधा ही बना लेंगे, इस काटा भी इसको सीधा ही बना लेंगे। इसी तरीका से बनाते हुए 3 लाइन इसको बनाना है, जैसे ऊपर बॉर्डर में बनाए थे 3 लाइन उसी तरीका से इसको 3 लाइन बना लेंगे, दोनों तरफ से सीधा सीधा बिन करके। देखिए दोनों तरफ से सीधा सीधा बिन के 3 लाइन बना लिए, अब सीधा साइड आ गए। अब सीधा साइड से इसको पूरा घर को बंद कर देंगे। देखिए पूरा घर को बंद कर रहे हैं इस तरीका से, 2 में घुसाएंगे, फिर इसको बिन देंगे, फिर उसी में इसको, फिर उसी में उसको डालेंगे, फिर इस तरीका से कर लेंगे, फिर उसी में डालेंगे उसको, इस तरीका से बंद कर लेंगे। इसी तरीका से पूरा घर बंद करके दिखाते हैं। देखिए पूरा घर बंद हो गया। अब यहाँ इसको सिलाई कर देंगे इस तरीका से, इस साइड भी और नीचे के साइड भी इसको सील करके बंद कर देंगे। यहाँ देखिए इस तरीका से इसको सिलाई कर देंगे। देखिए इस तरीका से इसको सिलते हुए पूरा को बंद कर लेंगे। देखिए इस तरीका से इसको पूरा को बंद कर लिए, नीचे भी और उस साइड भी।
ये पूरा बंद हो गया। अब इसको उलट लेते हैं। बहुत ही सुंदर बन के तैयार होता है, तो बनाइएगा ज़रूर, कमेंट में बताइएगा कि कैसा बना। थैंक यू।